हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टॉक्स में। दोस्तों आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे रिलायंस जो बैटरी से संबंधित जो भी आज का न्यूज़ है उसको आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अंदाज में। ठीक है, आप तो न्यूज़ अगर आप न्यूज़ लोग न्यूज़ या फिर कोई भी आर्टिकल से आप लोग अगर पढ़ते हो देन आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि क्या चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, क्या चल रहा है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। आज के जो न्यूज़ में बड़ी खबर है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिथियम आयन बैटरी कंपनी AMBRI AMBRI के ऊपर 44 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रही है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और इस खबर से कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आती है। क्या है AMBRI, क्या है लिथियम आयन बैटरीज का बिजनेस, क्यों ये बिजनेस में बिल गेट्स और दुनिया के बड़े बड़े कंपनी पैसा लगा रहे हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। कि और आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले दिनों में एनर्जी सेक्टर ऑयल से किस डायरेक्शन में मूव करेगा और क्यों ये डिसीजन रिलायंस के लिए बहुत वाइटल एंड प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। तो इसके लिए आपको पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों। अगर आपके पास देश के नंबर वन फुल सर्विस ब्रोकर जो कि अपना अभी फुली फंक्शनल फिनटेक कंपनी में ट्रांसफर हो चुकी है वो है एंजल वन का। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहां से जाकर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और जीरोधा का भी लिंक वहां पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका भी अकाउंट आप खोल सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का। AMBRI में अंबानी की नज़र कब से थी? बहुत पहले से थी। मुकेश अंबानी ने अभी 44 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है AMBRI के ऊपर। बिल गेट्स जो भी दूसरे US बेस्ड इन इन्वेस्टर्स ने अभी टोटल 144 मिलियन डॉलर के आसपास का फंडिंग किया है AMBRI को। AMBRI करता क्या है? AMBRI एक एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन कंपनी है जो बैटरीज मैन्युफैक्चर करती है। AMBRI का कहना है कि वो बैटरी सॉल्यूशन में एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। और वो कैसे बढ़ाता है? वो अपना पेटेंटेड टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस के जरिए। इसमें ऐसा क्या है जो मुकेश अंबानी इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर? रिलायंस एक ऑयल टू टेलीकॉम कंपनी है जिसने स्टार्ट किया था ऑयल रिफाइनरी बिजनेस से और उसके बाद इंडियन टेलीकॉम का बादशाह बन गया वाया रिलायंस जियो। और अभी वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपना डायरेक्शन ले जा, मतलब अपना चाह रहा है कि वहाँ पर ले जाए। पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एनर्जी स्टोरेज। आइए इस बात को जरा समझ लेते हैं कि एनर्जी स्टोरेज का मतलब क्या है। जब विंड पावर या सोलर पावर से रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होता है उसके बाद उसको ग्रिड में डिलीवर करने के बाद भी जो एक्सेस एनर्जी है उसका क्या होता है, या फिर जब ट्रेडिशनल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज में शिफ्ट किया जाता है, या फिर रेनी डेज में जब सोलर पावर डाउन रहता है तब एनर्जी को कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। ये है बर्निंग प्रॉब्लम जो भी रिन्यूएबल सेक्टर में जिसका सॉल्यूशन है एफिशिएंट स्टोरेज। अगर स्टोरेज ठीक नहीं है तो कैसे होगा? एंड एफिशिएंट स्टोरेज का सॉल्यूशन क्या है? आपका मोबाइल फ़ोन का बैटरी जो लिथियम आयन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो रिचार्जेबल है और एनर्जी एफिशिएंट भी है, यानी यही टेक्नोलॉजी AMBRI लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल ग्रेड में बना रही है। और इन बैटरीज से एक स्टेबल रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड बैलेंस का प्लान है AMBRI का। ठीक है, रिलायंस के साथ AMBRI के डील के बाद शायद इंडिया में एक लार्ज स्केल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाया जाएगा जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने के चांसेस है। क्या है लिथियम आयन बैटरी का फ्यूचर? इलॉन मस्क के टेस्ला इलेक्ट्रिक कार के एक यूनिट में के बैटरी में 12 kg लिथियम लगता है। इसी तरीके से इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं। टाटा ने, महिंद्रा ने अपने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लांट लगाने की बात करी है। वैसे ही अदानी ग्रीन जो एनर्जी है इंडिया का लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी पावर है, उसके मतलब उनके स्टेबल ग्रिड बनाने के लिए भी लिथियम आयन बैटरी की ही ज़रूरत पड़ेगी। अब समझिए आप लोग कि मुकेश अंबानी का स्ट्रेटजी क्या प्लानिंग है, तगड़ी प्लानिंग है। इंडिया में जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन होगा उसमें स्टोरेज के लिए सबको लिथियम आयन बेस्ड सिस्टम चाहिए होगा। अगर ये लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाए तो फिर वो इंडियन कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल भी होगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड उस डोमेन में लीडर बन जाएगा। यही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्ट्रेटजी कि रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज में लीडर बनना 2020 तक। पूरी दुनिया में फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्री का फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी का यूज़ कम होने वाला है और
रिन्यूएबल्स का यूज़ बढ़ने वाला है, इसी पर रिलायंस ने फोकस किया है। रिफाइनरी बिजनेस में मार्जिन वैसे ही कम है, इसीलिए हम इन्वेस्टर्स को ये बोल सके कि रिलायंस फ्यूचर के लिए एक बेस्ट बेट है, क्योंकि ये कंपनी के एक ऐसे विजन के साथ आगे आते हैं हर बार कि कोई भी मुश्किल सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल देते हैं। ऑयल बिजनेस बड़े प्रॉब्लम में है, टेलीकॉम में भी मार्जिन्स बहुत ज़्यादा है, 5G रोल आउट में भी टाइम है, इसीलिए लिथियम आयन बैटरी एक अच्छा बेट साबित हो सकता है। वैसे भी मैं दोस्तों रिलायंस के बारे में आपको कहा था कि 2-3 साल आप होल्ड कीजिए, और यहाँ पे 2030 का टारगेट भी हमें दिख रहा है, तो रिलायंस वैसे भी अच्छा है। आप लोग इसमें बाय एंड डिप्स कर सकते हैं और इसमें अपना इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठा सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मुझे इतना ही बताना था आप लोगों के लिए। थैंक यू।